राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने माइनिंग विभाग द्वारा डीएमएफ फंड और पेनल्टी के नाम पर अल्ट्राटेक सीमेंट को जारी 100 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस संगीत लोढ़ा की एकल पीठ में सोमवार को मामले की सुनवाई में अल्ट्राटेक की ओर से पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। मामले के अनुसार अल्ट्राटेक के अधिवक्ता ने बताया कि अल्ट्राटेक कंपनी नाथद्वारा ने पिछले वर्ष बिनानी सीमेंट कंपनी के दिवालिया घोषित किए जाने पर टैकोर किया था। तब उन्होंने उस कंपनी के सभी देनदारियां चुका दी थी, लेकिन अब माइनिंग विभाग ने तत्कालीन कंपनी के डीएमएफ फंड आदि की रिकवरी तथा पेनल्टी आदि को लेकर करीब 100 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 28 मई तक किसी तरह की कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मामलों के बारे में मैं नॉर्मली बात नहीं करता हूं, यहां मैं पेश हुआ हूं। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं आपको कि एक कंपनी के विषय में हमने प्रस्तावित जो बहस की, यानी जो मेरी दलील थी, मैं उच्च न्यायालय के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, दलील थी कि आईबीसी इंसॉल्वेंसी जो कोड बना है उसके अंतर्गत जब सभी ऋणों को इवेल्युएट कर लिया गया तो और उसके बाद कंपनी बन के ट्रांसफ़र हो गई, तो उसके बाद इस प्रकार की मांग करना माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा गैरकानूनी है, बिना अधिकार क्षेत्र है और आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी कोड के विरुद्ध है। क्या आज हमको नोटिस दिया और स्टे दिया, पूरा आंतरिक स्टे दिया है और 28 तारीख को वापस सुनवाई हो।